अभी तो हमारा टॉपिक है ये मेंस्ट्रुएशन का, तो हम करेंगे इसमें देखो हमारा जो टॉपिक आएगा इसमें हम आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे। इसमें हम आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, वॉल्यूम और सरफेस एरिया पढ़ेंगे विभिन्न आकृतियों का, जिसमें होगा घन, घना, गोला होगा, अर्ध गोला होगा, बेलन होगा, शंकु होगा, शंकु का शीर्ष होगा, रोम होगा, इस सारे क्वेश्चन, प्रिज्म होगा, ये सारे क्वेश्चन करेंगे इस कंसेप्ट में, ठीक है। तो पहला ही आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो हमारा पहला ही कंसेप्ट रहेगा देखो, वो होगा घन या क्यूब का। तो पहले इसका बेस फिर क्वेश्चन पे घन क्यूब करेंगे, फिर दूसरा हम इस पे पढ़ेंगे घनाभ, जिसे हम क्यूबॉइड कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्यूबॉइड। अब घन क्या होगा, घन देखो एक ऐसी आकृति होगी जिसकी लंबाई, चौड़ाई और क्या होगी, ऊंचाई। घन में कैसे आकृति होगी जिसकी लंबाई, चौड़ाई और क्या होगी, ऊंचाई होगी, और स्पेशली घन में। घन में कैसे आकृति होती है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के तीनों सेम होती हैं, और इसकी लंबाई को मैं ए रखूं तो चौड़ाई भी ए होगी, ऊंचाई भी ए होगी, कहने का मतलब इसकी सारी भुजा ए ए ए ही हो जाए, ठीक है। इसकी जितनी भुजाएं हैं सारी क्या हो जाएंगी, ए ए ए हो जाएंगी, क्लियर है। तो इसमें सबसे पहला कंसेप्ट क्या रहेगा, आयतन का वॉल्यूम का। मैं बता दूं देखो कोई भी, वैसे आयतन का बेस जो फंडा होता है, देखो आयतन होता है बेस एरिया, आधार का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई ऊंचाई। कोई भी आकृति नीचे से ऊपर तक सेम चल रही है तो बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम आ जाता है। वैसे हमें पता है आयतन होगा लंबाई मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट होता है आयतन निकालने का, वो बेसिक कंसेप्ट होता है बेस एरिया इंटू हाइट, वो होता है बेस एरिया इंटू हाइट। अब देखो इसमें मैं बेस एरिया देखूं, ये नीचे ही है, ये एरिया बेस का, ये एक स्क्वायर है, इसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल है, और स्क्वायर का एरिया मैंने निकाला था ए इनटू ए स्क्वायर था, और इसकी ऊंचाई ए है, तो ए स्क्वायर को ए से करूंगा तो ए क्यूब हो जाए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो घन का आयतन होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई ए गुना ए गुना ए क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कोई भी आकृति है थ्री डी में तो दो होंगे, एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र कहते हैं टी एस से, कर्व सरफेस एरिया, संपूर्ण को कहते हैं टी एस से, टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन में लिखा हो टी एस से कोई निकालना, क्वेश्चन में लिखा हो सिंपल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुछ ही लिखा हो वक्र है या संपूर्ण है तो संपूर्ण ही निकालना। वक्र में क्या करते हैं, हमेशा अप और डाउन का छोड़ देते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो पृष्ठ होते हैं सरफेस से, छह सरफेस का ध्यान दो, मैं दोबारा रिपीट कर, देखो पहला सरफेस फ्रंट वाला इसके एरिया ए टू ए स्क्वायर होगा, बैक साइड भी ए स्क्वायर को टू ए स्क्वायर होगा, लेफ्ट वाला देखो ए मल्टीप्लाई इस सरफेस का एरिया होगा ए स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर को टू ए स्क्वायर ये होता है। सिमिलरली ऊपर वाले का होगा तो ए टू ए नीचे वाले का, ए टू ए ऊपर वाले का, तो ये भी टू ए स्क्वायर, तो टू टू फोर टू ये कितना हो जाएगा, सिक्स ए स्क्वायर। क्लियर है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। वक्र याद रखना, वक्र में ऊपर वाला छोड़ दिया जाता है और नीचे वाला छोड़ दिया जाता है, तो दो सरफेस माइनस हो जाएंगे, तो छह में से मैं दो सरफेस घटा दूंगा तो कितना आंसर आएगा, फोर ए स्क्वायर। ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है किसका, क्लियर है। फिर उसके बाद इसमें सिंपल सा होता है विकर्ण, घन का विकर्ण निकालना डायगोनल। घन का डायगोनल जो होगा सिंपल ये होगा, जब मैं इसको यहां मिला, घन का डायगोनल होगा मैं इसको इससे मिला दूं, ये है। अब इसका वैसे फॉर्मूला होता है अंडर रूट थ्री ए, कि अगर मैं भुजा को रूट थ्री से गुणा कर दूं उसका डायगोनल या विकर्ण आ जाता है। आता कैसे, इसका फॉर्मूला ड्राइव करने का मैं बता दूं, देखो सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे, मैं इसको मिलाऊंगा तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये हमें पता है देखो ये साइड है ये ए है, ये कितना होगा हमने किया था, ये स्क्वेयर है,
ये स्क्वायर का डायगोनल है, और स्क्वायर का डायगोनल होता है रूट टू ए, पता है सभी को रूट टू ए। अब ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये बिकॉज मैं डी मान लू तो फार्मूला होगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा रूट टू ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर टू ए स्क्वायर, टू प्लस वन कितना हो जाएगा थ्री ए स्क्वायर, थ्री एस स्क्वायर हुआ, ये आया डी स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर है रूट आप करेंगे तो ये रूट थ्री स्क्वायर से कटेगा रूट थ्री ए, तो इनकी साइड को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करें ये डायगोनल या विकर्ण आ जाता है किसका, घन का क्यूब का। तो सिंपल सा द्वारा रिपीट करूं, घने कैसे करने से सारी साइड सेम होगी, ए रखा आयतन होता है साइड की पावर तीन, भुजा की पावर तीन ए क्यूब, वक्र पृष्ठीय फोर एस स्क्वायर चार सरफेस का आएगा, संपूर्ण होता है छह का, विकर्ण होता है रूट थ्री, क्लियर है। तो ये नोट करना, ये हो गया हमारा घन, दूसरा जो हमारा रहेगा घना क्यूबॉइड, दूसरा जो रहेगा हमारा घनाभ या फिर क्या रहेगा क्यूबॉइड रहेगा, क्लियर है। अब घनाभ या क्यूबॉइड रहेगा, अब मैं घनाभ की बात कर, मैं घनाभ की बात करूं, देखो इसमें क्या होगा, इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट चेंज हो जाए, इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट ये क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, इसके लेंथ को लंबाई को लिखेंगे, चौड़ाई को बी लिखेंगे, ऊंचाई को एच लिखेंगे। तो सबसे पहला जिसमें कंसेप्ट आएगा वही कंसेप्ट आयतन का, आयतन होता है एल बी एच, मतलब बेस एरिया एल बी, हाइट से मल्टीप्लाई कर लीजिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। उसके बाद फिर जिक्र होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल में वे वही कंसेप्ट सेम टू सेम, एक होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, टोटल सरफेस एरिया, और ये हो जाएगा सी एस कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब यहां से देखो, अब मैं संपूर्ण निकाल, सिंपल सी बात है, देखो अगर मैं नीचे का ये फाइंड आउट करूं एरिया, तो ये एल इन टू बी आएगा, ऊपर वाले का भी एल इन टू बी डबल हो जाएगा, टू एल बी हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इधर निकालू, देखो बी एच होगा उधर बीच, टू बी एच हो जाएगा, तो बी एच भी डबल होगा, और फिर सामने वाले का एच एल बैक वाले का एच एल, तो टू एच एल हो जाएगा। तो मैं टू कॉमन निकालू तो ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टू एल बी प्लस बी एच प्लस में एच, लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई का डबल करते हैं तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है किसी भी घनाभ का, ठीक है। उसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, उसके बाद क्या आएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा सी एस ए कर्व सरफेस एरिया। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो क्या होगा, सिंपल सी बात है, मैंने कहा वक्र में क्या होगा, ऊपर वाला निगलेक्ट करेंगे नीचे वाला, एल बी और एल बी, टू एल बी चला जाएगा बाकी सिर्फ रहेगा, तो इसमें क्या होगा एल बी खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा टू बी एच प्लस एच, टू बी एच प्लस में क्या बचेगा एच। अब सी एस से लिखा है तो ही लिखना है, अदरवाइज सिंपल लिख दिया ना पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम संपूर्ण टोटल वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो गया। उसके बाद इसमें आएगा विकर्ण, विकर्ण डायगोनल, तो डायगोनल होता है देखो ध्यान से सिंपल वही कांसेप्ट रहेगा कि पहले मैं ये फाइंड आउट करूं, ये हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास देखो क्या ये एच है, तो ये भी क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। जब मैं इसमें पाइथागोरस लगाऊंगा तो इसका जो बी होगा ये बी स्क्वायर, ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस, इसका स्क्वायर करूंगा रूट कट जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो यहां पे होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो ये विकर्ण डायगोनल हो जाता है इसका क्यूबॉइड का, लेंथ स्क्वायर ब्रेथ स्क्वायर हाइट स्क्वायर का जो रूट है, तो ये विकर्ण या डायगोनल हो जाता है इसका क्यूबॉइड, क्लियर है। तो ये मेंशन रखनी है, बाकी पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत टाइप के क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल से क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल आसान से कह रहा है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है आयतन, सिंपल सी बात है, ये घनाभ है इसकी लंबाई है 12, चौड़ाई है 8, ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर सेम है, ठीक है। इसका वॉल्यूम निकालना है आयतन घनाभ का, सिंपल है जी, 12 8 840 मल्टीप्लाई बार,
तो 480 सेंटीमीटर क्यूबिक। अब आयतन में यूनिट का क्यूब होगा क्योंकि तीन बार मल्टीप्लाई होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। क्लियर सी बात है। उसके बाद सरफेस एरिया, इसमें पूछा हुआ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो क्या होगा जी, संपूर्ण पृष्ठीय होगा 2lb, l मल्टीप्लाई बी, एल बी 12 प्लस में क्या होगा बी एच, 8 × 40 प्लस में क्या होगा एच एल, 12 × 60 तो 2 अगर मैं ऐड करूं 6 × 6 = 10 = 19, 2 × 6 = 12, 1 × 18 = 19 = 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से जो आंसर आएगा उसको ये 480 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसका वॉल्यूम हुआ, और 392 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है उसका क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्र। जाहिर सी बात है ये आंसर आएगा हमारा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, 12 मीटर लंबे 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है। मैं सिंपल कह रहा हूं, एल दे दिया 12 मीटर, बी दे दिया 9 मीटर और एच दे दिया 8 मीटर। ये सिंपल सा देखो घनाभ का क्वेश्चन है, ये कह रहा है इसमें सबसे लंबा बांस कौन सा होगा, तो उसका डायगोनल। अब डायगोनल का मैंने लिखा, देखो घनाभ में जो सबसे लंबा बांस होगा वो होगा 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का रूट, जो उसका विकर्ण होता है वही बांस सबसे बड़ा है। तो 12 स्क्वायर होता है 144, 9 स्क्वायर 81, 8 64। अब मैं रूट ऐड करूं, देखो 4 × 5 = 9, 6 × 8 = 14, 4 × 8 = 289 का रूट कितना जाएगा, 17 मीटर में चल रहा है। तो कितना आंसर आएगा, 17 मीटर आंसर है। तो सबसे बड़े बांस की लंबाई तो हो जाएगी, वो कितना आंसर आएगा, 17 मीटर आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन के विकर्ण की लंबा, तो घन का जिक्र सिंपल, ये घन की बात कर, ये सिंपल घन है जिसकी सारी साइड इक्वल है। विकर्ण की लंबाई 4√3 है, विकर्ण ये हो जाएगा, ये है 4√3। तो घन का आयतन क्या होगा, सिंपल सी बात है, घन के आयतन के लिए साइड चाहिए। हमें पता है घन का विकर्ण क्या होता है, √3a, पीछे लिखा मैंने, घन का विकर्ण जो इज इक्वल टू है 4√3, √3 कैंसिल, तो इसकी साइड आ गई 4। तो इसने पूछा हुआ है घन का आयतन क्या होगा, आयतन होता है साइड की पावर 3, 4 × 16 = 64 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आंसर है। क्लियर है, समझा रहे, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। आगे कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे, तो घन घनाभ नहीं आएगा, कई सारे लेवल इसमें चेंज करके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो घन का टोटल सरफेस एरिया 384 है, तो मैं सिंपल सी बात कहूं, घन में घन की साइड ए है, तो इसका टी एस ने पता है सभी को, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6a² और 6a² किसके बराबर है, 384। अगर मैं 6 से डिवाइड करूं, 6 × 6 = 36, 6 × 4 = 24, a² 64 है, 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो जो साइड आएगी वो 8 आएगी। उसने कहा हुआ है इसका आयतन क्या होगा, आयतन हो जाता है a³, 8³ हो जाएगा, 8 × 8 × 8 64 × 8 8 × 72 = 48 और 8 × 64 = 8 × 32 = 3, 8 × 48 = 3 क्या है, तो कितना हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब, कितना हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूबिक आंसर रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, देखो कह रहा है एक आयताकार पानी की टंकी, आयताकार पानी की होता है क्यूबॉइड जो घनाभ है, वर्गाकार टंकी वो घन क्यूब हो जाता है। ऐसी टंकी है, कह रहा है इसमें 42,000 लीटर पानी है, इसका वॉल्यूम जो है वो 42,000 लीटर पानी है। क्लियर है। इस टंकी की लंबाई 6 मीटर, देखो ये दे दिया, इसके लेंथ जो है वो 6 मीटर और इसकी चौड़ाई 3 मीटर, ये 3.5 मीटर है। अब कह रहा है टंकी की गहराई थोड़ी, ऊंचाई निकालनी है, x हमने फाइंड आउट, मैं सिंपल सा बात करूं, मीटर चल रहे तो मीटर है, तो थोड़ा सा मैं बता दूं, लीटर में कन्वर्ट करना है तो
डायमेंशन है, ध्यान रहे, एक ऐसी टंकी हो कि जिसकी लेंथ वन, ब्रेथ वन और हाइट वन वन मीटर हो। मीटर क्या है? मीटर 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 मीस का वॉल्यूम होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 मीटर क्यूबिक, तो ये बराबर 1000 मीटर क्यूबिक। ऐसी कोई भी टंकी 1 मीटर लंबी हो, 1 मीटर चौड़ी हो, 1 मीटर ऊंची हो, इसका आयतन हो गया लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई 1 मीटर क्यूबिक, बराबर कितना हो गया? देखिए 1 मीटर क्यूबिक जो टंकी है उसमें 1000 लीटर पानी आता है, उसमें कितना पानी आता है? 1000 लीटर। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, देखो अगर लीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, क्योंकि मीटर है तो 1000, इसको इधर कन्वर्ट करना है, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा तो मीटर क्यूबिक में कन्वर्ट। तो मैं वॉल्यूम निकाल दूं, देखो 42000 को डिवाइड 1000 से कर दो वो मीटर क्यूबिक आएगा, ये कट गया, तो यानी इसका वॉल्यूम हो गया 42 मीटर क्यूबिक। अब वॉल्यूम होता है लंबाई 6 मल्टीप्लाई चौड़ाई 3.5 मल्टीप्लाई ऊंचाई h, ये बराबर है 42। देखो मैंने मल्टी ऊंचाई तो से काट दो, 6 से 40 तो मैं क्या करेगा 7, तो हाइट रहेगी यहां मैं 7/3.5 कर देता हूं, डिवाइड पॉइंट करेंगे 0.35 2 पे, तो जो टंकी की गहराई आएगी वो कितने मीटर की आएगी? 2 मीटर। जो टंकी की गहराई आएगी वो कितना आंसर आएगा? 2 मीटर आंसर है। क्लियर? इसमें इंपॉर्टेंट है ये याद रखनी आगे की बात, 1 मीटर क्यूबिक होता है 1000 मीटर, 1 मीटर क्यूबिक होता है 1000 मीटर, ठीक है। लास्ट में देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एबीसी बुझाओ वाले घनाव का आयतन। देखो ध्यान से, ये कह रहा है एक घनाव है जिसकी लेंथ ए है, जिसकी लेंथ ए है, ब्रेथ बी है और हाइट कितनी है? सी। ए बी सी भुजाओं वाले घनाव का आयतन वी घन इकाई है। ध्यान से देखना, आयतन हो गया, मैं फिर रिपीट करूं, देखो आयतन लिखा हुआ है ना वी, देखो ये कह रहा है आयतन वी घन इकाई है, आयतन वी है, लेकिन आयतन क्या होता है? ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की मल्टीप्लिकेशन आयतन होता है वी होता है। इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल एस वर्ग इकाई है, देखो टोटल सरफेस एरिया एस है, तो जो मैं निकालूंगा एस क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होगा 2AB + BC + CA, ये होगा। तो कह रहा है 1/V क्या होगा? ध्यान से देखना, इन्होंने कहा है 1/V, वी नीचे है तो वी को इसके नीचे दे, मैं देखो इसके नीचे V रख रहा हूं तो ये इसके नीचे आ जाएगा ABC। मैं फिर देख रहा हूं, देखो हमें सिर्फ क्या चाहिए? ऊपर 1/V चाहिए, S नहीं चाहिए, 1/V चाहिए। S ऊपर मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेगा तो 2YS आ जाएगा। ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं, ये 2/S हो गया, ये ABC में LCM लेके आया, इसमें अलग अलग कर सकता हूँ, AB/ABC, BC/ABC, CA/ में ABC, AB से AB कट गया, BC से BC कट गया और CA से CA कट गया, तो 1/V जो बचा वो 2/S, 1/C + 1/A + 1/B, तो ये हमारा 1/V का आंसर होगा। तो ये 2/S, 1/A + 1/B + 1/C, 2/S, 1/A + 1/B + 1/C, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ आए होंगे, इसको रीड करना बार बार, घन और घनाभ लॉन्ग टाइम क्वेश्चन आते हैं इसमें, बहुत सारे पेपर्स में पूछे जाते हैं, तो घन घनाभ के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो वो नेक्स्ट क्लास में।